ਰਿਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਆਮ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਗਵਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ सैक्टर 71 विखे उस समय सनसनी फैल गई जदों यूथ अकाली दल आगू बिक्की मिठू खेड़ा नूं अणपछाते हमलावर ने अन्ने वाह गोलियां मार दित्तियां जिस दौरान अकाली आगू की मौत हो गई। वारदात तो बाद हमलावर मौके तो फरार हो गए जिस तो बाद अकाली आगुआ वालों इस मामले ते अपनी प्रतिक्रिया दिती जा रही है। अकाली लीडर ने कैप्टन सरकार ते तिखे निशाने साधे अस्तीफा आ वह देना चाहिए और जोड़े बदमाश गुंडे खुद सरेआम घूम रहे हैं उन्होंने उत्ते कार्रवाई जी होनी चाहिए पर मैं महसूस कर रहा कि पंजाब गैंगस्टर का राज आ पिछले किन्ने जग्गू भगवानपुरी वर्गे किन्ने गैंगस्टर अज लोगों सरेआम फरौतियां मंग रहे हैं उन्होंने धमकियां दे रहे हैं अगवा हो रहे हैं तो सरेआम नौजवानों को मारा जा रहा है बेरोजगारी पंजाब बढ़ती जा रही है जे ये पोजिशन ना रुकी तो पंजाब की इकोनमी आ जी वह जीरो हो जानी है तुम देखो दिन दिहाड़े गोलियां मारिया गई मैं सख्त शब्दों निखेधी भी करदा हाँ और सरकार को बेनती भी करदा कि फौरी तौर पर एक्शन लेके जो दोषियों की कार्रवाई की है वो धरती के उत्ते विछ रही नौजवानों शरेआम गोलियां का शिकार बनाया जा रहा अज एक नौजवान आगू विक्की मिड्डू खेड़ा जिहदे उत्ते श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं समुचे पंजाब नूं माण सी जिहदी अगवाई ते जिहदी सोच ते अज दा यूथ जिहड़ा फखर करदा सी उहनूं दिन दिहाड़े तुहाडे सारयां दे सामणे आ के उहदा गोलियां मार के कतल कर दित्ता है और असी दुख का प्रगटावा करते हैं तो पंजाब सरकार जी की मुढ़ली जिम्मेवारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना वो सुती पई है और रात ही अजे एक घटना वापरी है पंजाब के अंदर फलौर के नेड़े पिंड हैगा टंडवाड़ उथों का यूथ आगू है ओंकार सिंह ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਜਾਣ ਬਚਾਉਂਦਾ और वह बच जाता है तो दो घंटे बाद हमलावर टीम भौं के फिर आती है तो घर के उत्ते हमला करती है तो पिंड वाले जुरत करते हैं तो बाकी तो भज जाते एक जना उन्हें काबू आता पुलिस के हवाले है तो पुलिस अजे तक किसी तन पत्र नहीं गल आ रही कि ये पिछे कहानी की सी और विक्की मिड्डू खेड़ा वर्गा वो नौजवान जिन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी दियां चोणां लड़ियां ते प्रधानगी कीती ते पंजाब यूनिवर्सिटी दी प्रधानगी करना अपने आप च उहदी प्रतिभा दा उहदी लीडरशिप क्वालिटी दा पता लगदा अज पंजाब दे अंदर जिस तरह दे हालात बने ने बड़े चिंताजनक ने और खास करके जिहड़े राजसी आगू ने जिस तरह उहनां नूं निशाना बनाया जा रहा है ये पंजाब की सरकार वास्ते एक तरह का कलंक है। असी चाहते कि इन्हां केसां दे जिहड़े दोषी ने वो छेती तो छेती सामने लियांदे जाण पर जिस मुतलक अज ये प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी सीगी
वह है कि पंजाब दे अंदर असी पुछना चाहते हैं कि घोटाले ते घोटाला घपले ते घपला जिदे विच कांग्रसी एम एल ए साहबान कांग्रसी मंत्री साहबान और कांग्रसी आगुआ दे जिहड़े परिवार ने वो दुहू दुही लगे हुए ने ते लुट इस कदर मचाई हुई है कि जिवें उन्हां नूं पुछण वाला कोई नहीं सरप्रस्ती इन्नी ज्यादा हासिल है। हुण तुसीं देखो कि फूड एंड सप्लाई विभाग जिहदा फर्ज बनता है कि पंजाब दे अंदर जिहड़ा अनाज उहदी संभाल करना और गरीबां वास्ते लोकां वास्ते आए हुए अनाज की सही वितरण करना उहदी वंड करना एक इंस्पैक्टर लैवल का बंदा जसदेव सिंह जिहड़ा कि मौजूदा कांग्रसी एम एल ए मदन लाल जलालपुर का सगा भाणजा है उहदे वल्लों 82,000 क्वांटल कणक का जिहड़ा हुण तक जिहड़ी बुक बैलेंस है उहदे मुताबिक जिहड़ा आ उह आ चुका है कि 82,000 क्वांटल जिहड़ी है कणक जिहड़ी है वो गायब है ते जिहदी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये बनती ये तो जिहड़ा आ उहदा अजे तक घपला सामने आया आ बीते चो की कुछ कर गया क्योंकि पिछे मामा जी एम एल ए सी महाराणी प्रनीत कौर दे खासम खास सी मामा जी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खासम खास सी ते अजकल नवजोत सिंह सिद्धू दे खासम खास ने मामा जी मदन लाल जलालपुर। हुण साडा सवाल ये उठदा आ कि ये जड़ा जिहड़ी लुट होई आ जां जिहड़ा ये घपला नंगा होया आ इहनू जिहड़ी आ मोटे जे रूप च राजसी सरप्रस्ती हासिल है और इस घपले दे विच जसदेव सिंह इंस्पैक्टर दे सगे मामा जी मदन लाल जलालपुरा भी सीधे रूप च शामिल ने और उन्हां दी शमूलियत कुत्ते कम्मां दे विच पहली वरां नहीं। पंजाब दे अंदर जे नजायज़ शराब दा धंधा जिहड़ा ये तो सुनदे हुंदे सी कि किते भट्ठी फड़ी गई चार ड्रम फड़े गए 50-100 बोतल नजायज़ शराब दी फड़ी गई कि पहली वरां सुनिया कि पंजाब दे अंदर शराब दियां नजायज़ फैक्ट्रियां भी जिहड़ियां पैरलल डिस्टिलरियां जिहड़ियां ने वह चल रही सी ते जिन्हां नूं चलाउण वालिआं दा नां जिहड़ा वज्जा सीगा वह तुहाडे सारिआं सामणे इक मदन लाल जलालपुरा उहनां चों इक सीगा ते अज वी जिहड़ा घपला सामणे आया है लगभग 20 करोड़ दा उहदे च वी मदन लाल जलालपुरा सामने आ रहे और नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान ने असी मंग करते हैं कि अजे 3 दिन पहला नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने मदन लाल जलालपुरा नूं ईमानदारी का सर्टिफिकेट वंडिया तो बड़ियां तारीफां कीतियां ने ते सब तो पहलों नवजोत सिंह सिद्धू मदन लाल जलालपुरा ते कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी चो कढ़न ते नाल ही पंजाब दे लोकां कोलों माफ़ी मंगन कि मैं मदन लाल जलालपुरे वर्गे जिहड़ा नजायज शराब दे धंधे च भी शामिल ते जिहड़ा पंजाब दे गरीबां दी कणक जां पंजाब दे लहू पसीने नाल पंजाब दे किसान ने जिहड़ी उपज कीती है उहदे ते डाका मारन वालिआं विच भी मदन लाल जलालपुरा शामिल है उहदी जिहड़ी है नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दे लोकां कोलों माफ़ी मंगण कि मैं अजिहे गुनाहगार नूं जिहड़ा आ सरप्रस्ती दित्ती और उन्हूं ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिता और नाल ही तुहाडे सामने है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े गल करदे ने कि पिछली सरकार समय बादल सरकार समय माफिया राज सी बड़ी गल करदे ने बड़ियां 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 गल्लां करदे ने
ते सरकार की दी है, साढ़े चार साल हो गए सरकार ताड़ी दा भोग पैन वाला है, घर नूं तुसीं जाण वाले जे। असी पहले दिन तो हिक थापड़ के कहिंदे रहे कि जे साढ़े किसी भी आगू ने अकाली दल ने, चाहे कोई आगू है, चाहे MLA है, चाहे मंत्री है, चाहे डिप्टी मुख्यमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, जे किसी ने भी पंजाब दे नाल धोखा किया है, पंजाब दे लोकां नाल गुनाह किया है, करो इनकुआरी, दिओ परचा ते दिओ सज़ा। जिहड़ा उठदा आ स्टेज ते बयान, जिहड़ा उठदा आ TV दी डिबेट ते आण के जो मर्जी कह जांदा आ, जिहड़ा आउंदा आ प्रैस बयान दे जांदा आ। असीं इह पुछणा चाहुंदे आ कि जिहड़ी हुण तक दी सरकार सी कि उह नीटू शटरां वाले दी सरकार सी, उह वी ते कांग्रेस दी सरकार सी जिहदे च नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री वी रहा आ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे गुण गाउंदे सीगे, जिहदी काबलीयत दे, जिहदी लीडरशिप दे, जिहदे विजन दे, उहदी सरकार सी। अज भावें सारे कांग्रसी MLA जिहड़े ने बाहले जिहड़े ने विचे मंत्री साहिबान कहिंदे आ कि सब तो ना अहल साबित होया कैप्टन अमरिंदर सिंह, ओपनली कहिंदे आ, कोई लुक छिप के तो कहिंदे नहीं, वो कहिंदे कि सानू सरकार ही नज़र नहीं आई, कांग्रसी मंत्री कहिंदे ने, कांग्रसी MLA कहिंदे ने। तो हुण प्रभाव अजिहा देण दी कोशिश की जा रही है कि जिस दिन का नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनया कांग्रेस का, तो शायद जिहड़ी कांग्रेस की सरकार ही हुण शुरू होई, कांग्रेस की सरकार का तो भोग पैण वाला, लोग तो आपके हत्थां च थुक्के बैठे कि आओ तो सही, जिहड़ी तुहां साडे नाल कीती सी, जिहड़ा धोखा दित्ता सीगा, जिहड़ी ठगी मारी सी, उहदा तुहानूं सवाद देना है। तो दूजे बन्ने गल जिहड़ी आ एजेंडे तय किए जा रहे हैं, कोई कहिंदा कि 18 सूत्री प्रोग्राम एजेंडा जी, तो एजेंडे जिहड़े तय हुंदे ने ये हुंदे ने जदों सरकारां बनदियां ने, शुरुआती दौर च एजेंडे तय हुंदे ने, तो जदों भोग पैण वाला होवे, तो जदों घर नूं जाण वाले होण, फिर एजेंडे तय नहीं हुंदे, फिर लोकां नाल वादे नहीं हुंदे। हाँ, अज भी समा हैगा, कुछ करके दिखाओ, करके दिखाओ, फिर पता लगे, और कर की रहे हैं कि जिहड़े लोग पंजाब च माफिया राज दा सरगना ने, मदन लाल जलालपुरा तुहाडे सामने, दर्शन सिंह बराड़ MLA हलका बाघा पुराणा, नजायज माइनिंग दे विच माइनिंग विभाग ने 1.5 करोड़ का उन्हें जुर्माना किया, जुर्माना मतलब सज़ा की, जिस बंदे नूं सज़ा हुई होवे माइनिंग दे विच हुई होवे, ते माइनिंग ओह जिहड़ा पंजाब वास्ते बहुत वड्डा इशू होवे, ते तुसीं दर्शन सिंह बराड़ नूं उहदे सज्जे बिठा के, पता नहीं अगे ते पापा जी कहिंदा हुंदा सी, उहनूं शायद बापू कहिंदा है, बापू कहिंदा तुसीं सुन लिया जे, हाँ जी, ओह उहनूं बापू बना लिया। हुण दर्शन सिंह बराड़ जिहड़ा नजायज माइनिंग दे विच जिहनूं 1.5 करोड़ रुपया पंजाब दे माइनिंग विभाग ने जुर्माना किया नजायज माइनिंग का, वह तुहाडे सज्जे खब्बे बैठा है। तो जिस दिन प्रधान बनते आ दरबार साहब बन के मत्था टेकते आ, तो दूजे दिन वो जाते आ मेरे हल्के खेम करन दे विच, किसी नूं पुछ लो कि पंजाब दे अंदर माइनिंग दे सरगड़ा कौन ने, और 1992 तो 29 साल हो गए है कि भुल्लर परिवार जिहड़ा आ पंजाब दा सब तो वड्डा रेता दा कारोबारी है, ते रेता दा कारोबारी करन वाले होण ते तुसीं मत्था टेकण तो बाद सब तो पहली अपनी आरंभता जिहड़ी है पंजाब दे मुख सरगणे जिहड़े ने मुख कारोबारी ने रेता दे, तुसीं उहनां दे घरों जाके करो, तो मैसेज की देना चाहते जी कि अपना हुण तुसी इह सवाल देखो, तुसी पत्रकार वीर जे, तुसी पंजाब दे किसी भी छोटे तो छोटे कारोबारी नूं जां किसी भी ट्रकां वाले नूं पुछ रहे जे मोहनपाल कौन, तो मोहनपाल हैगा जिहड़ा खेमकण तो मौजूदा विधायक है सुखपाल भुल्लर दा साला, उस सुखपाल भुल्लर का कारोबार तो सामदा ही सामदा, बाकी जिन्हें भी हिस्सेदार ने पंजाब के अंदर रेता दे कारोबार दे,
उन्हां दा भी जिहड़ा आ उह करता धरता उही है। हुण तुसीं प्रधान बनण तों बाद सब तों पहली शुरुआत जिहड़ी है उह रेता दा कारोबार करन वालिआं तों करदे जे, ते जिन्हां ने पंजाब दी धरती खुरचली, जिन्हां ने पंजाब दी धरती दे नाल धक्का करता, इत्थों तक कि पंजाब दे ट्रक ओपरेटर नाल धक्का कीता। हुण ट्रक ओपरेटर बेचारे की कहिंदे है कि जिहड़ी माइनिंग तुसीं करदे जे उहदे विच जिहड़ा लोड आ, जो जैनुअन लोड आ जां जो मानता प्राप्त लोड आ, वह पैना चाहिए। तो मोहन पाल सिंह होर की करते हैं कि तिना तिना ट्रकों का लोड जिहड़ा एक ट्रक जी लद के लिया, आपदे ट्रक रखे उड़े। ट्रक ऑपरेटर ने वो पठानकोट प्रशासन को मिलते हैं कि जेडे पठानकोट तो माइनिंग हो रही उधरले पास्यों, तो जिहड़ा आ ये रोकी जाए, साडे नाल धक्का हो रहा। उन्होंने कोई अखीर वो कहिंदे कि साडा इन्ना ज़्यादा कारोबार थले चला गया सी, असी जिहड़ी आ पंजाब ट्रक एकता यूनियन उन्होंने बनाई, वो ना थोड़ा जिहा उहदा बचा होया। तो वह कहिंदे कि इहदे तहत ही असी पठानकोट के पुलिस प्रशासन नूं मिले कि आ मोहनपाल सिंह जिहड़ा आ ये जिहड़ा नजायज़ धंधा कर रहा, नजायज़ कारोबार कर रहा है। तो सानू अगों प्रशासन ने, एस पी ने, डी एस पी ने, तो इंस्पैक्टर ने यह जवाब दिता इन्हां ते कार्रवाई नहीं जी होनी, क्योंकि यह मौजूदा एम एल ए खेमकरन सुखपाल भुल्लर का साला है। हुण आनू असं वीडियो सुना दें उन्हां ट्रक ऑपरेटर वीरां दी जिहड़े आपदा रोना रो रहे हैं। उधर पुलिस वालों भी मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं हले सिर्फ इन्ना ही दस सकता कि चार आदमी टोटल आए थे जी, I-20 वाइट कलर की, और विक्की मिडू खड़ा इन्हों गोलियां मारियां और अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया। बाकी असं सारी तफ्तीश कर रहे हैं कि ये पिछले की है कि नहीं, कौन बंदे थे। हले मैं तुम्हें दस रहा जी, असं सारा कर रहे हैं क्योंकि घंटा पहले ही सारी गल है, सारा वेरीफाई करके जो प्रोग्रेस होगी तो अभी तुम रिपोर्ट किया। सर हले पता लगे भी इतने की करना आया सीगा, क्योंकि इतने करें कतर के सू लगता पता भी इतने की करना दिखा। इतने जिन्ना कि इन्होंने दसा कि शायद कोई प्रॉपर्टी वगैरह अपना ये राउंड तकरीबन जो उत्थे हॉस्पिटल तो मैं होके आया उत्थे तकरीबन 8 to 9 राउंड लगे। सर विक्की खेड़ा कल्ले ही सीगा पिछली, हले उ नाकाम साबित हो रही है, जो कि एक वड्डा सवाल है। चंडीगढ़ तो दर्शन सिंह खोखर की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सिद्धी गलबात, ते जाणो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ये प्रोग्राम जरूर देखण, ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बणन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान, ऐतवार सवेरे 7 to 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।